सभी राज्यों के सीएम के साथ नीति आयोग की बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी लिया हिस्सा। पीएम मोदी बोले, अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता हिंदुस्तान, मिलकर काम करने से मिलेगी सफलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर बोला हमला, पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी को लेकर साधा निशाना, कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में पैदल मार्च, केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रियंका ने किसान महापंचायत को किया संबोधित, कहा पीएम किसान के आंसू नहीं पोंछ पाए, उनकी राजनीति सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए है। एलएसी पर शांति के लिए बातचीत का दौर जारी, चीनी सेना के साथ हो रही 10वें दौर की बैठक, बैठक में भारतीय सेना की लेह में मौजूद 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ले रहे हिस्सा, देवसांग समेत शेष इलाकों से सैनिकों की जल्द वापसी पर चर्चा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, काउंटर टेररिज्म पर दोनों देशों की सेनाएं दिखा रही दम, तालमेल और सैन्य संबंध मजबूत करना मकसद। पीएम मोदी 22 फरवरी को करेंगे असम और बंगाल का दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात, इस दरमियान पीएम तेल और गैस क्षेत्र के साथ रेलवे की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बंगाल में टीएमसी का चुनावी अभियान लॉन्च, बंगाली अभिमान और संस्कृति की रक्षा का नारा, टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा बंगाल को बुरी ताकतों से बचाने के लिए राज्य के लोग अपनी बेटी के साथ हैं। बंगाल पहुंची सीआरपीएफ की टुकड़ी, चुनाव तारीखों का होना है ऐलान, बता दें कि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल भेजने का फैसला लिया था, लिहाजा सीआरपीएफ की 12 कंपनी आज सुबह दुर्गापुर पहुंची। उन्नाव कांड की तीसरी पीड़िता की स्थिति में सुधार, वेंटिलेटर सपोर्ट हटा, तो वहीं पुलिस ने नाबालिगों की हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी विनय ने कबूल किया अपना जुर्म। यूपी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गोरखपुर में लोकसभा स्पीकर ने अर्पित की श्रद्धांजलि, अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग को किया नमन। लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधाना का दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज, फेसबुक वीडियो जारी कर 23 फरवरी को किसानों ने से बड़ी संख्या में जुटने का किया आह्वान, लखा को दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और डकैती जैसी संगीन धाराओं में नामजद किया है। तेल कंपनियों की मुनाफा वसूली जारी, पेट्रोल डीजल की दर में फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल में 41 पैसे तो डीजल के दाम में 40 पैसे की वृद्धि, इसी के साथ पहली दफा जयपुर में पेट्रोल 97 के पार तो डीजल 89 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। कोरोना महामारी के बीच मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा, बीते 24 घंटे में सामने आए 13,993 नए मामले, तो 101 मरीजों ने गंवाई जान, हालांकि देश में अब तक 1,07,00,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने मुंबई में 1,305 इमारतों को किया सील, बताएं कि बीते दिन महाराष्ट्र में 3 महीने बाद 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि बीएमसी की इस कार्रवाई का असर 71,838 लोगों पर पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एक शहर होशंगाबाद का नाम बदलने की कही बात, होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम रखने का किया ऐलान। पिछले साल दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े 400 मामलों में 1,818 गिरफ्तारी, एफआरएस तकनीक से पकड़े गए 137 आरोपी, तकनीक के इस्तेमाल का ब्यौरा देते हुए दिल्ली पुलिस प्रमुख ने यह जानकारी दी कि 231 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में रातोंरात बन गए हनुमान मंदिर पर शुरू हुई सियासी चढ़ाई, बीजेपी के बाद अब आप नेताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सीकर में बिना कागजात के कटा विधायक की गाड़ी का चालान, तो चालान से गुस्साए विधायक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने विधायक को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। जोधपुर एसीबी की पाली में बड़ी कार्रवाई, तखतगढ़ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 17,000 की घूस लेते ट्रैप, बिल पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, शारजाह से आए विमान यात्री के पास मिला करीब 1.5 किलो का सोना, जूतों में छिपाकर लाया था सोना, आरोपी गिरफ्तार। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूली परीक्षाएं होंगी अप्रैल में, 15 जून से नया सेशन, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। बिटकॉइन में लगातार बढ़ रहा निवेश, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंची, बताया कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की ओर से निवेश के बाद बिटकॉइन में जबरदस्त इजाफा हुआ है, दुनिया की कई नामी कंपनियों ने इसमें निवेश किया है। बिना हेलमेट मास्क पत्नी संग बाइक राइड पर निकले थे विवेक ओब्रॉय, चालान कटा तो ट्वीट कर मुंबई पुलिस का जताया आभार, बताया कि विवेक ने 14 फरवरी को अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बिना हेलमेट और मास्क के दिखाई दे रहे थे। सीनियर अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे बीएसएफ जवानों के बीच, जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के साथ खेलेंगे वॉलीबॉल मैच, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी साथ में मौजूद।